वालेकुम क्या हाल है आप सबका उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे खुश रखे आबाद रखे और यहाँ रात से मैंने अपने ब्लॉग को स्टार्ट किया था आज जो ये आपको लग रहा होगा कि ये कोई नाश्ते के सीन है लेकिन ये रात के खाने के हैं क्योंकि आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं खाने में क्या बनाऊं और कुछ ऐसा था भी नहीं आ, बनाने को चिकन पड़ा था फ्रिज में लेकिन मैंने चिकन बनाना नहीं था तो मैंने बच्चों से पूछा कि ऐसे करते हैं कि पराठे बना लेते हैं साथ चाय बनाते हैं और थोड़े से आलू भी थोड़े से पड़े थे हालाँकि मेरे पास कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आलू कम हों हमेशा मैं ज़्यादा क्वान्टी मैं मंगवा कर रखती हूँ क्योंकि आपको पता है कि अक्सर बच्चों को भी लंच में कभी फ़्राइज़ वगैरह या वैसे भी बनाने हो या पकौड़े कुछ भी तो फिर वो आलू ज़रूर होने चाहिए जब आपके पास कुछ भी ना होना तो आलू ऐसी चीज़ है कि जो बहुत काम आते हैं और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं आलू वाले पराठे हो गए आलू के कटलेस हो गए तो सब कुछ तो आज आलू भी इतफाक से बस थोड़े ही थे तो मैंने वो थोड़े से आलू बनाए साथ पराठे बनाए और साथ फिर इसके बाद चाय बनाऊंगी जब आलू बन जाएंगे अच्छा वैसे भी जब मेरी एक ऐसे भी है कि जैसे कल अब सजल की बर्थडे है तो जब इस तरह का कोई इवेंट होना तो उससे पहले मैं बच्चों अब तो बच्चे भी याद हो गए उनको पता होता है कि उससे एक दिन पहले या तो दाल खानी है या सब्जी खानी है इसके अलावा तो मामा ने कुछ बनाना नहीं है क्योंकि मैं कहती हूँ कि अच्छा अब सब कुछ कल बन रहा है ना तो अभी तुम आज अगर दाल या सब्जी नहीं खाओगे तो कल तुम्हें मज़ा कैसे आएगा तो फिर ऐसे ही माइंड बना हुआ था कि बस और कुछ भी नहीं बनाना कुछ हल्का फुल्का सा लाइट से ही बनाना है तो यहाँ पर जो है ना ये बन गए पराठे भी बन रहे थे साथ साथ और आलू तो फ्राई हो गए थे आलू बस हम चार लोगों ने खाने थे आमना और सजल ने तो कहा था हम आलू नहीं खा रहे वैसे तो वो भी खाती हैं लेकिन आज उनका कोई मूड नहीं था तो बस यहाँ पर आलू और फ्राई हुए आलू और साथ अचार और पराठा और बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने खाना खा लिया है रात का और अभी जो है ना ग्रॉसरी के लिए जाना है मुझे क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए कल बर्थडे की प्रेपरीशन तो खैर मैंने अभी से स्टार्ट करनी है केक मैं अभी बनाऊंगी वापस आके तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ और चीज़ें कुछ चाहिए वो नहीं थी तो मैंने सोचा कि अभी जाकर लेकर आ जाते हैं तो बस अभी चलते हैं इब्राहिम की आवाज़ आई है ना उसने कहा मामा आ जाए तो बस मैं जा रही हूँ आ जाओ बच्चों दरवाज़ा बंद कर लो और ये गली पूरी पूरी गली जो है ना पूरी डेकोरेट हुई हुई है इतनी सजी हुई इतनी ज़्यादा लाइटिंग हुई हुई है और यहाँ से हम जा रहे थे तो बड़ी ख़ूबसूरत लग रही थी और ये हज़रत अली आ, उनका यम पैदाइश है तो इस वजह से यहाँ ये जो पूरी गली थी ना नीचे तक ये सारी की सारी डेकोरेट हुई थी बहुत ज़्यादा लाइटिंग की हुई थी और बड़ी खूबसूरत लग रही थी तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ तो बस यहाँ पर हम आ गए पंजाब कैश एंड कैरी पर और मुझे था कि अभी रात है तो इस वक्त रश नहीं होगा लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा रश है यानी कि सर्दियों में ये होता है ना कि थोड़ा बहुत ज़्यादा देर से आप जाएँ तो ये उम्मीद होती है कि रश ना हो लेकिन रश था और यहाँ पर हम आ गए थे इब्राहिम भी आ गया था साथ और बस यहाँ से अब जो चीज़ें लेनी है वो मैं ले लूँगी कुछ तो जो मंथली ग्रॉसरी है वो भी करनी है और कुछ मुझे सजल की बर्थडे के लिए जो चीज़ें मैं बनाऊँगी उसके लिए मुझे कुछ चाहिए तो वो भी लूँगी यहाँ तो फिलहाल मैं शैम्पू वग़ैरह सेलेक्ट कर रही थी और यहाँ हो गया हमारा सारा सामान जो है ग्रॉसरी हो गई है हमारी डन और बस अब चलते हैं चिकन भी ले लिया है बाकी भी जो चीज़ें चाहिए थी वो हो गई हैं अलहदुल्ल बस अब चलते हैं घर अच्छा इस वक्त जो है ना नमाज़ भी पढ़ ली थी शाह की खाना भी खा लिया था तो अब ऐसे लगता है जैसे कोई काम ही नहीं है लेकिन मैंने घर जाके भी काम करना है मैंने सज्जल का केक अभी बेक करना है और उसने फरमाइश की है कि रेड वेलवेट नहीं Yeah. अच्छा यार छोड़ो yeah. तो बस फिर अभी चलते हैं घर सामान रखवा लेते हैं और जाते हैं घर और उसके बाद घर जाके काम करेंगे केक बनाएंगे और देखती हूँ कि अगर कुछ और अभी कर सकी तो अच्छा मेरे साथ ऐसा होता है कि बस अब मुझे पता है कल के दिन में तो मैं सारा काम सुबह से ले वो रात तक कर लूँगी लेकिन उससे पहले बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं कर लेती हूँ बहुत ज़्यादा तैयारियाँ पहले मुझसे पता नहीं क्यों नहीं होती और अब एक ये भी होता है लाइट का भी चक्कर होता है ना तो केक तो मैंने अभी बेक करना है फ़्रॉस्टिंग वगैरह उसकी कल रेडी कर लूँगी सिर्फ लाइट की वजह से मुझे ये था कि ना फिर आ, कोई पता नहीं होता लाइट का तो उसका जो स्पंज है ना केक का वो मैं अभी बना लूँ अब देखते हैं घर जाते हैं तो फिर पता चलेगा कि क्या करती हूँ इरादे कभी कभी जो है वो इंसान के ना बदल भी जाते हैं पूरे भी नहीं होते अच्छा तो रात को मैंने आपको कहा था कि मैं घर जाकर केक बनाऊंगी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जब घर वापस आया तो मुझे इतनी सर्दी लगना शुरू हो गई थी एकदम से कि बस मैं तो आके बिस्तर में लेट गई और फिर मैंने केक जो है ये तो अब सुबह मैं बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाने के बाद शुक्र है कि लाइट नहीं गई तो अब जो है ना किचन में मैं आई मैं आई हूँ और केक बना रही हूँ और यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये तो फ़िलहाल मैंने आमना को बता रही थी और उसको मैं कही थी कि ये ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को तुम ना छान के तो रख दो तो यहाँ ढाई कप मैदा लिया था फिर एक टी स्पून जो था वो बेकिंग पाउडर था एक टी स्पून ही बेकिंग सोडा वो चीज़ें उसने करके रखी फिर यहाँ मैंने लिए दो अंडे लिए थे हाफ़ कप पहले बटर लिया फिर उसमें डेढ़ कप चीनी का और आ, एक कप कुकिंग ऑयल अच्छा मैं इसके इंग्रेडिएंट्स जो है ना ये पूरा ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी और बस यहाँ पर जो है ना केक uh, uh, जो है बस वो बन रहा है और uh, मुझे ये शुक्र है अल्लाह का कि आज जो लाइट का एक होता है ना लंबा सा टाइम के बंद होती है काफ़ी घंटों के लिए वीक में एक दिन तो लाजमी होती है वो आज हुआ ही नहीं मुझे uh, था एक्सपेक्टेड था कि होगी लाइट लेकिन शुक्र है नहीं हुआ और यहाँ पर इसमें रेड फ़ूड कलर डाल दिया और बस ये हमारी जो रेड वेलवेट केक का जो स्पंज था ये रेडी हो गया था इसको मैंने ओवन में रख दिया और यहाँ पर मैंने मंगवाई थी दराज से कुछ चीज़ें डेकोरेशन की तो वो शुक्र है कि आ गई थी वैसे तो उन्होंने कहा था कि अभी टाइम लगेगा लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे आप जल्दी सेंड कर दें वरना मुझे इसके बाद तो फिर नहीं चाहिए और आ गई थी चीज़ें और ये दराज मॉल से जो भी चीज़ ऑर्डर करो वो एक तो बिल्कुल ठीक होती है और टाइम पर आ भी जाती है तो ये वहीं से मैंने ऑर्डर की थी अच्छा यहाँ पर मैं बर्गर आ, जो बन्स होते हैं ना उनका पिज़्ज़ा बना रही हूँ और ये मैंने चिकन ले लिया फिर इसमें टिक्का मसाला डाला नमक थोड़ा सा डाला और वो क्या कहते हैं उसको कुकिंग ऑयल डाला एक टेबल स्पून और उसी आ, जिस पैन के अंदर मैंने इसको बनाना है बस उसी में मैंने मैरिनेट किया दस से पंद्रह मिनट रखूँगी और उसके बाद इसको मैं चूल्हे पर रख दूँगी इसको कुक कर लूँगी छोटी uh, छोटी बोटियाँ छोटे छोटे साइज़ में काटी हैं तो बस ये भी पकता रहेगा दूसरा यहाँ पे मैं कॉर्न डॉग्स बना रही हूँ तो उसके लिए मैंने यहाँ ले लिया है uh, मैदा एक कप भरकर मैदे का लिया और वन थर्ड कप इसमें मैंने राइस फ्लोर लिया चावल का आटा फिर इसके अंदर uh, यहाँ पर मैंने चीनी डाली है वन टेबल स्पून नमक डाला है वन फोर टी स्पून और यीस्ट uh, डाला है इसके अंदर वन टी स्पून बस इसको जो है नीम गर्म पानी से इसकी मैं डो बना लूँगी इसमें चाहे तो आप एक अंडा भी डाल सकते हैं मैं इसमें अंडा नहीं डाल रही तो इसकी मैं डो बना लूँगी और इसको अच्छा सा ना गूंद लेना है अब यहाँ पर मेरी डो थोड़ी सी रनी हो गई तो इसको मैंने अच्छा सा फेंट लिया है लेकिन इसमें थोड़ा सा खुश्क मैदा डालकर न इसको मैं आ, सेट कर लूँगी क्योंकि इतनी ज़्यादा भी रनिंग नहीं चाहिए हमें तो इसको आ, अभी तो मैंने इसको ढांप दिया था लेकिन मैंने इसमें ना थोड़ा सा ड्राई मैदा डाल के फिर इसको मैंने सेट करके फिर रखा है तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पफ पेस्ट्री और उसके लिए प्याज लिया एक दरम्याने साइज़ का और ये बॉइल्ड चिकन है श्रेडेड ये मैंने इसके अंदर डाल दिया ये तकरीबन दो कप फुल भर के है चिकन और इसको अब जो है मैं थोड़ा सा कुक करूँगी उसके बाद जो है इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं मैदे के तीन टेबल स्पून नहीं दो भर के डाले थे एक आधा टू एंड हाफ़ कर लें और हाफ़ टेबल स्पून इसमें काली मिर्च डाली है नमक और बस इसको मैं थोड़ा सा ना स्टर करूँगी कुक करूँगी अच्छा सा और फिर इसके अंदर मैं डाल दूंगी एक कप के जितना पानी और इसको फिर ये जो मैदा हमने डाला था ना मैदे को डालने के बाद अच्छी तरह से उसको कुक करना है भून लेना है फिर उसके बाद पानी डालना है और ये इस तरह से फिर इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी और ये फिलिंग हो गई तैयार पफ पेस्ट्री की तो यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ केक की फ्रॉस्टिंग और बटर क्रीम की फ़्रॉस्टिंग बन रही है और यहाँ ये मरियम कर रही थी उसको मैंने दिया था कि ये तुम इसको करो तो आ, ये बटर मैंने ले लिया था आ, 250 ग्राम बटर 250 ग्राम इसमें चीज़ जाएगी और 250 ग्राम ही इसके अंदर आ, पिसी हुई चीनी जाएगी पहले आ, बटर को और आ, शुगर को अच्छी तरह से बीट करना है इतना कि वो सही क्रीमी फॉर्म में आ जाए अच्छा बटर जो है ना इसके लिए बहुत अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है घर का तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि घर वाले बटर में पानी बहुत तो तो आपकी फ्रॉस्टिंग खराब हो जाएगी अच्छा बेकरी के भी बटर्स भी जो होते है होते हैं ना वो भी बहुत कम बटर होते हैं जो कि बहुत परफेक्ट होते हैं आपकी बेकिंग के हिसाब से तो बहुत ध्यान से आपने लेना है मैं आपको ब्रांड यहां पर इसलिए भी बता रही हूं क्योंकि फिर आपके ना ये जो फ्रॉस्टिंग है ये खराब हो जाएगी तो जो नूरपुर का बटर होता है या जो एडम्स का वो बेस्ट होते हैं इस तरह की जब आप फ्रॉस्टिंग बना रहे हो तो उसके अलावा अगर आप दूसरा कोई मक्खन लेंगे ना तो कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा तो लिहाजा जब इतना इतनी एफर्ट्स भी कर रहे हो और कोई चीज़ आपकी फिर ख़राब हो जाए ना तो वो बहुत बुरा लगता है तो इसलिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिए कि अगर आप बटर की फ्रॉस्टिंग में तो ये वाले बटर यूज़ करें जो कि बिल्कुल परफेक्ट जाते हैं और अनसॉल्टेड यूज़ कीजिएगा तो यहाँ पर इसके अंदर मैंने डाल दिया है फिर जब बीट हो गया तो बटर सॉरी क्या कहते हैं उसको आज पता नहीं क्या हो गया मुझे एक तो वो बातें ही मुझे भूल रही हैं क्रीम चीज़ डाल दी फिर इसके अंदर वनीला एसेंस डाल दिया था और ये इसकी फ्रॉस्टिंग जो होगी थी वो रेडी होगी थी केक भी बेक होके निकल आया था कुछ तो क्लिप्स रिकॉर्ड हुए कुछ हुए नहीं आपको पता है जब इस तरह का काम कर रहे हो तो समझ भी कुछ भी नहीं आ रही होती काम में इतना बिजी होते हैं कि के कभी कैमरे का ध्यान होता है कभी होता ही नहीं है बिल्कुल भी तो बस यहाँ पर ये होगी थी तैयार और इसको मैंने केक को कट करके उसकी जो लेयर्स थी फिर उसके अंदर भी लगा लिया फिर ये जो ऊपर उसका पार्ट था थोड़ा सा वो हमने निकाल कर क्रश करके वो इसकी मैंने डेकोरेशन कर ली और थोड़े से ना कि मैंने हार्ट बना लिए थे इस तरीके से स्पंज को लेके ना इस मोल्ड के अंदर ऐसे प्रेस कर कर के तो फिर ना ये इसके हार्ट बन गए थे ऊपर मैंने डेकोरेट कर दिए थे अच्छा ये जो आ, केक का बैटर था ना इसको मैंने पंद्रह बीस मिनट के लिए छोड़ दिया था मैंने क्या छोड़ा था लाइट ही बंद हो गई थी तो जब लाइट आई तो मैंने बेक किया तो इतना इसका स्पंज जो था ना इतना सॉफ्ट इतना फ्लफी था बड़ा ही ज़बरदस्त बना था अच्छा ये आ, थी पफ पेस्ट्री शीट और ये मैंने मंगवाई थी ऑनलाइन ही ये घर में नहीं बनाई थी और आ, अच्छा ये बस फिफ्टी फिफ्टी थी ये कोई मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी Uh, और यहाँ पर बस अब मैं इसकी जो है ना पेस्ट्रीज बना रही हूँ राउंड शेप में इसलिए नहीं मैंने काटी क्योंकि उससे फिर ज़रा ये होता है कि वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसी तरह से स्क्वायर शेप में काट ली हूँ जो फिलिंग अभी इसकी रेडी की थी ना इस तरीके से बस मैंने uh, करके तो इसको अब uh, थोड़ा सा पानी लगा के बंद किया और ये आ, फोक की मदद से इसको प्रेस करके तो ये हमारी जो है ना पफ पेस्ट्रीज तैयार होती जा रही थी और इनको बस मैं रख रही थी फिर लास्ट में आप चाहें तो अंडा एक फैंड के ऊपर लगा लें मैंने हाफ के ऊपर तो लगाया था हाफ के ऊपर चाहें तो पानी ऊपर लगा दें या दूध लगा दें तो उससे भी ऊपर कलर जो है ना बड़ा प्यारा सा आ जाएगा तो इसको मैंने बेक करने के लिए रख दिया था ओवन के अंदर और ओवन को प्री हीट करें तो फिर आपकी ये जो है ना 20 मिनट में या मैक्सिमम जो है 20 से 25 मिनट में अच्छी सी बेक हो जाएंगी और इसको बेक जो है वो 180 डिग्री 170 सेवनटी टू हंड्रेड मुख्तलिफ़ टपरेचर होते हैं ओवन के तो आप उस पर इसको बेक कर लें यहाँ पर मैं ये ड्रेस आपको दिखा रही हूँ जो कि मैंने सज्जल की बर्थडे के लिए बनवाया था और ये थोड़े दिन पहले मैंने बनवाया था और ये था वाइट और इस तरह से इसकी लैस थी और गले पर मिरर वाली थोड़ी सी लैस और बटन लगवाए थे और ये बैग भी उसके लिए मैंने मंगवाया था तो ये बर्थडे का गिफ्ट था उसके लिए मेरी तरफ से तो मैंने सोचा कि हाँ मैं आपको दिखा दूँ और ये दिखा आपको मरियम ही रही है क्योंकि मैं तो बहुत सारे कामों में बिजी थी तो अभी बस ये ड्रेस जो था वो सजल ने आज पहनना था अच्छा और जो बन गई थी पे, पेस्ट्रीज़ बन गई थी और कुछ डो बज गई तो उसको दोबारा से मैंने राउंड शेप में बेल लिया था और यहाँ पे मैंने कौसन बना लिए थे लेकिन फिलिंग वही थी उसके अंदर कौसनस के अंदर भी फिलिंग वो वाली मैंने डाल दी थी आ, कोई अलग से फिलिंग नहीं थी और यहां इनके ऊपर जो है ना मैं लगा रही हूं अंडा तो इससे ज़रा जो कलर है ना वो अच्छा खूबसूरत आता है सारों के ऊपर मैंने इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि मैंने भी खाना होता है तो इसलिए मैंने बाकियों के ऊपर नहीं लगाया था और यहाँ पर अब ये जो है ना इस तरह की हरकतें ये मरियम ही कर रही थी और थोड़ा सा लास्ट में जो है इसके ऊपर मैंने ये कलौजी भी डाल दी थी थोड़ा सा खूबसूरत अच्छी सी लुक के लिए तो वो बड़ा प्यारा सा लगता है बस अब ये इनकी बारी थी पहले वाले बेक हो चुके थे तो ये अब मैंने दूसरी ट्रे जो है वो रखी थी बेक होने के लिए और यहाँ पर अब ये जो है ना हमारे बर्न पिज़्ज़ा ये बहुत इजी बहुत कन्वीनियंट रहता है इस तरह की बर्थडे पार्टी हो ना तो ये बहुत आसान भी लगता है और आ, मज़े का भी है तो यहाँ पर इसके अंदर ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा सा बटर लगाया था आज मेरे साथ बहुत सारे ब्लेंडर्स हुए थे मैंने यहाँ पर थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस लगा थी लेकिन मैं बिल्कुल भूल गई थी तो बस मैंने ये जब सारी टॉपिंग इसकी लगा ली ना चिकन भी लगा लिया ये कैप्सिकम हो गई टमाटर सारा कुछ हो गया फिर इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी ये स्प्रिंकल कर दी और भी तो फिर लास्ट में मुझे ख्याल आया और यहाँ पर अब जो है इसके ऊपर मैंने ना लगा दी चिली गार्लिक सॉस सारों के ऊपर इस तरीके से लगा दी थी और फिर इसके ऊपर ये आ, लास्ट में आ गई चीज़ हमारी ये रख दूंगी और बस इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट ही बेक करना है ऊपर वाली रॉड ऑन करके क्योंकि ये जो है कोकड होते हैं बंस तो लोअर रॉड की तो ज़रूरत ही नहीं है तो बस 10 मिनट या मैक्सिमम दस से बारह मिनट तो बस इसको भी मैंने रख दिया था और यहाँ पर हमारी डेकोरेशन भी हो गई थी बहुत सारे बैलून्स तो वो फट भी गए थे और कुछ चीज़ें जो और थी वो मेरी आई नहीं थी तो बस फिर यहाँ पर अब जो है ना ये डॉग्स बनाने के लिए मैंने ये आलू के बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे और उसको ठंडे हो गए जब मतलब बॉईल करने के बाद जब ठंडे हो गए तो इस तरह से ड्राई मैदा लगा कर इनको इस तरीके से कर लेना है ताकि ये इसके ऊपर ना अच्छी तरह से चिपक जाए अब ये जो डो बनाई थी ना वो राइज हो चुकी है और इस तरह से स्टिक्स के साथ लगा के अच्छा मेरे पास सॉसेजेस छोटे थे वैसे ये जो बड़े साइज के सॉसेजेस को आप इजीली हैंडल कर लेते हैं ना थोड़ा सा आ, जान होती है उनके ऊपर तो ये थोड़े से छोटे थे अच्छा ये लगा कर तो मैंने हाफ के ऊपर ये पोटैटोस में कोटिंग की और हाफ के ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग की है तो ये बहुत मज़े के लगते हैं सॉसेजेज तो इट्स सेल्फ इतने मज़े के होते हैं उनका टेस्ट तो फिर बस इस तरह से बनाएँ तो ज़्यादा ही मज़े के हो जाते हैं यहाँ पर मैं कौसिला सैंडविच बना रही हूँ बंद गोभी गोभीड ले ली एक छोटी सी गाजर ले ली और बिल्कुल एक शिमला मिर्च का टुकड़ा लिया है ऑप्शनल है और इसके अंदर मायोनीस डाल ली काली मिर्चें कुटी हुई डालूंगी और थोड़ा सा नमक डाल के इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और फिर इसको ब्रेड पे लगा के सैंडविचेस ये सबसे आसान सैंडविचेस होते हैं और मजे के भी बहुत होते हैं बच्चों को बड़े पसंद होते हैं तो बन के यहाँ पर मैं फ्राई आलू छोले की चाट बना रही हूँ सबसे पहले मैंने बॉयल आलू लिए फिर इसमें थोड़ा सा एक टेबल स्पून ऑयल डाला इसमें चाट मसाला गर्म मसाला पाउडर डाला इसको मैं अच्छा सा रोस्ट कर लूँगी निकाल लूँगी फिर इसके बाद बारी आएगी चनों की चनों को भी सेम इसी तरीके से रोस्ट कर लेना है चाट मसाला डाल के थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालकर और थोड़ा सा ऑयल डालकर फिर इसके अंदर मैं हरी मिर्ची भी काट के डाल दूंगी साथ ही वो भी फ्राई हो जाएंगी और उसके बाद जो है ना इसको मैंने अब दूसरे में शिफ्ट कर दिया था यहाँ पर कटे हुए टमाटर छोटे छोटे थोड़ी सी प्याज और प्याज को पानी में पहले भिगोया हुआ था क्योंकि प्याज कड़वी ना हो और हरा धनिया फिर यहाँ पर मैंने अगेन चाट मसाला डाल दिया था इसके ऊपर ये इमली की चटनी थी जो कि बनी हुई रखी थी तो वो मैंने इसके ऊपर डाल दी है उसके बाद हरी चटनी मेरे पास फ्रेश वाली नहीं थी तो ये पैकेट वाली थी वही मैंने दही में मिक्स करके तो हरी चटनी भी इसके अंदर मिक्स कर दी है और फिर उसको ना मिक्स करने के बाद सारी चाट को हाँ थोड़ी सी मैंने बंद गोभी भी डाली थी और उसके बाद उसके ऊपर मैंने फिर लास्ट में दही और दूसरी चटनी डाल दी थी वो थाई एक मेरे पास सॉस थी खट्टी मीठी वो डाल दी थी अच्छा यहाँ पर वाइट सॉस पास्ता मैंने सबसे लास्ट में बनाना था और यहाँ मैं बना रही थी वाइट सॉस पास्ता मक्खन एक पाव मैंने लिया था फिर इसमें मैंने मैदा डाल दिया तकरीबन दो से तीन टेबल स्पून शायद डाला है और यहाँ पर ये दूसरा ब्लेंडर था मेरा कि मैंने पहले दूध डालने से पहले एकदम से क्रीम डाल दी और क्रीम जो है ना वो जैसे पूरा उसका खोया ही बन गया था लेकिन कोई बात नहीं फिर मैंने उसको अच्छा सा बीट किया दूध डाल के और बिल्कुल वो पहले वाली फॉर्म में हो गया आप चाहें तो उसको ब्लेंड भी कर सकते हैं लेकिन हैंड बीटर से हो गया था फिर इसमें औरगैनो डाला चिली फ्लेक्स डाले और काली मिर्चें डाली नमक डाला और इसको अच्छा सा कुक किया सॉस को मीडियम फ्लेम पे मीडियम लो फ्लेम पे मैंने कुक किया है क्योंकि मैंने इसको अच्छा सा पकाना था ड्राई नहीं करना था फिर उसके अंदर मैंने एक कप भर के चीज़ का डाल दिया और फिर इसके अंदर ये बॉयल पास्ता डाल दिया और ये वाइट सॉस पास्ता भी सज्जल की फरमाइश पे बन रहा था रेड वेलवेट केक का भी उसी ने कहा था तो अब ये जो है ना हमारा ये मज़ेदार सा वाइट सॉस पास्ता रेडी हो गया बस इसका चूल्हा मैं बंद कर दूंगी इसको अच्छी तरह से मिक्स वाइट सॉस पास्ता ये गर्म गर्म ही बहुत मज़े का लगता है तो इसको मैंने लास्ट में ही पास्ता मैंने बॉयल करके छोड़ दिया था और ये था कि मैं लास्ट में इसको बनाऊँ क्योंकि बाकी चीजें तो ठंडी हो जाएं कोई बात नहीं लेकिन ये मजे का लगता है तो बस यहाँ पर सब कुछ हो गया था रेडी और ये हमारा केक भी रेडी हो गया अच्छा केक बहुत मजे का बहुत जबरदस्त केक बना था आ, बहुत मज़े के इसके फ्लेवर्स थे लेकिन होता है ना कि इतना आपका बिजी स्केजुअल चल रहा हो इतनी सारी चीज़ें एक ही दिन में मैंने की बेकिंग में काफ़ी टाइम भी लग जाता है बेकिंग कुकिंग सब कुछ साथ ही चल रहा था तो फिर उसमें कुछ चीज़ें कुछ क्लिप रिकॉर्ड हुए कभी मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो गई कभी क्या हो गया कभी क्या कभी मुझे खुद ही ध्यान नहीं रहता था मैं कामों में इतना बिजी थी तो उस चीज़ में शायद पूरी की पूरी जो रेसिपीज़ या चीज़ें थोड़ी आगे पीछे हो गई कुछ शेयर करना रह गई लेकिन अलहमदिल्ला सब कुछ बहुत मजे का बना था तो बस यहाँ पर अब जो फाइनल की जो आ, सेटिंग थी वही हो रही थी और आ, मुझे ये था कि आ, बच्चे जब फरमाइश करके कहते हैं ना कि ये वाला केक बनाना है तो फिर मेरी कोशिश होती है कि वो चीज बहुत अच्छी बने और वो उनको अच्छी लगे तो यहाँ पर बस अब ये सब कुछ हो गया था और ये चीज़ें मैं फाइनली कर रही थी घर में ही हमने की सेलिब्रेशन बस छोटी मोटी सी जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना तो उनको होता है इतना ज़्यादा या तो उनको होता है कि अपनी फ्रेंड्स के साथ कोई गैदरिंग हो या उसमें मज़ा आता है या ये होता है कि बस आव... जैसे छोटे बच्चों को बड़ा होता है कि हमारी बर्थडे में फ्रेंड्स भी हों बच्चे भी हों सब हों लेकिन थोड़ा जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको ऐसी चीज़ों का इतना ज़्यादा शौक भी नहीं होता और सजल तो वैसे ही कुछ ज़्यादा ही इंट्रोवर्ट है तो उसको तो वैसे भी नहीं होता तो यहाँ पर ये देखें वाइट सॉस पास्ता कैसे धुएँ उठ रहे हैं मज़ेदार से और ये हमारे जो है ना बन पिज्ज़ा ये भी बहुत मज़े का बहुत ज़बरदस्त लास्ट में मैंने ऑलिव्स भी फिर डाल दिए थे भूल गई थी वही मैं कह रही हूँ ना मैं कितनी चीज़ें आज तो बहुत सारे ब्लेंडर्स मुझसे हो गए कितनी चीज़ें मैं भूल जाती थी बाद में मुझे याद आता था कि ये चीज़ तो डाली ही नहीं ये तो किया ही नहीं तो ऐसा हो जाता है जब आप बिजी हों बहुत सारे काम चल रहे हों और बीच में जब बच्चों की ये वाली बात आती है ना दिन में कि भूख लगी है भूख लगी कुछ खाने दो को दें तो फिर वो एक्स्ट्रा वो एक काम में बिज़ी हो फिर उनको बंदा चीज़ें करके दे रहा हो ना तो फिर बड़ा ही आ, मुश्किल होता है और फिर इतने सारे कामों में जो किचन की हालत होती है जो बर्तनों का ढेर होता है उफ वो तो आ, बस बहुत ज़्यादा होता है जो आ, सब खातिन को पता है जो घर में काम करी होती है ना उनको पता है कि फिर कितने ज़्यादा बर्तन और कितना ज़्यादा आपका काम होता है कि आपको आ, कुछ भी समझ नहीं आ रही होती और मैंने आज के आज ही सारा काम किया था वही मैं आपसे कह रही थी ना कि पहले मैंने सोचा था कि मैं लास्ट डे जो था कि केक बनाऊँगी लेकिन फिर वो रात को हुआ ही नहीं तो फिर मेरा जो सारा काम मेरे सर पे पड़ा वो आज के दिन गई था अच्छा तो यहाँ पर अब फ़ोटो सेशन चल रहे हैं स्ट्रीक्स बन रही हैं और बस तस्वीरें पसंद नहीं आ रही कितने सारे तो फ़ोटोग्राफ़र सारा घर ही बना हुआ था लेकिन बस सज्जर को भी कोई कुछ पसंद नहीं आ रहा था यहाँ पर और अच्छा हम इतना थक गए थे कि बाद में हम में से तो किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि हम चेंज कर लें हालांकि मैंने अपना नया ड्रेस पहनना था सब कुछ करना था लेकिन बस फिर बहुत थक गई थी मैं इतनी थक गई थी कि मैंने सोचा कि बस यार ठीक है अब आ, कपड़े चेंज करने की तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है तो यहाँ पर अब हम आ, जो है फाइनली केक कट करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया अच्छी ख़ूबसूरत यादों में एक और ख़ूबसूरत याद का इजाफा हो गया बच्चों की अच्छी सी मेमोरीज बन जाती हैं और यहाँ पर बस जो है खाना पीना भी चल रहा है इब्राहिम हेलो कैसा था सब कुछ कुछ बहुत मजे का था और इनको ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिए लीजिए आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अल्लाह हाफिज़ बाय बाय